नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री का जो बिडेन द्वारा काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देख अब हिंदुस्तान में बैठे जो विपक्ष है उन पर सांप रौंद रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत का जो ट्वीट सामने आ रहा है इससे यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर राकेश टिकैत और जो उनकी गैंग है वो किस तरीके से भारत की जो छवि है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसको धूमिल करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने काम किए हैं भारत के लिए और बाहर के देशों में अपनी एक नई पहचान बनाई है, भारत को ऊंचे लेवल पर ऊंचे स्तर पर लेके गए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत वहां पर किया गया है तो वही छवि धूमिल करने की राकेश टिकैत की जो है वो सामने आ रही है। देखिए, राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही एक ट्वीट किया था जिसमें वो कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से कि आप हमारे बारे में यानी कि भारत के किसानों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कीजिएगा क्योंकि भारत के किसानों को एक साल से ऊपर हो गया है और वो इन तीन काले कानूनों के विरोध में अभी तक सड़कों पर बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। भारत के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका आते हैं तो इस विषय पर उनसे चर्चा करें। तो इस तरीके का एक अंग्रेजी ट्वीट राकेश टिकैत ने लिखा था जो बिडेन को, जो कि काफी वायरल भी हुआ। आपको बता दें कि हमेशा से ही ये जो टूल किट गैंग है इनका ये षड्यंत्र रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बदनाम किया जाए, छवि धूमिल की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारत के अन्य लोग जो कि भारत के लिए सोचते हैं और जो आतंकवादी गतिविधियां होती है भारत में और ऐसे टूल किट गैंग होते हैं और जो विपक्ष हमेशा भारत की बुराई करते हैं उनके खिलाफ अगर कोई जाता है तो ये अपना ही एक अलग षड्यंत्र रचते हैं, एक गैंग बना लेते हैं जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच जाते हैं भारत को गिराने के लिए। इन लोगों को ये नहीं सूझता है कि जिस भारत की ये बदनामी कर रहे हैं बाहर देश में उसी भारत में रहते हैं, उसी भारत में खाते हैं और वहीं रहकर ये भारत की छवि को और गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से टूलकिट आ जाए इन लोगों के समर्थन में या फिर विपक्ष द्वारा राकेश टिकैत के कंधे पर बंदूक रखकर ये टूलकिट फिर से बनाया हो। तो देखिए, राकेश टिकैत जो अपने आप को किसान नेता मानते हैं, जो भारतीय किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ही भारत की जो छवि है उसको खराब करने की कोई कोशिश यहाँ पर नहीं छोड़ी है, कोई तमाम कोशिशें उन्होंने कर ली है भारत की छवि को खराब करने के लिए। और ये उनका ट्वीट साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से वो इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं और भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, अमेरिका में जाकर वहाँ पर जितने भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, तालिबान आतंकवादी जो अफगानिस्तान में कब्जा करके बैठे हैं उनसे रिलेटेड हो या फिर चाइनीज ऐप से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में बैठे ऐसे कई लोग हैं जो आतंकवाद पर नहीं बोलते हैं, जो तालिबानी आतंकवादियों पर नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं किस पर, प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर मंच पर जाते हैं तो उनको बदनाम करने के लिए एक टूल किट गैंग निकल कर आता है सामने, तो उसी का हिस्सा अब राकेश टिकैत भी हैं। और सामने आए हैं राकेश टिकैत इस ट्वीट से बता रहे हैं कि उनको भारत की संस्कृति और भारत के सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाना है जो कि वो इस किसान आंदोलन के जरिए शुरुआत से ही चलाते आ रहे हैं। राकेश टिकैत से जब भी पूछा जाता है कि आप राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर किसानों पर बात क्यों नहीं करते हैं तो हमेशा वो यही कहते हैं कि भैया हम तो किसानों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसानों के हक की बात नहीं की है। और वहीं उनका ये जो ट्वीट है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और अमेरिकी राष्ट्रपति को जो उन्होंने ट्वीट लिखा है किसानों के मुद्दों को दिखाते हुए, ये साफ दिखाता है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ भारत में बैठे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भारत के किसानों से और भारतीय सरकार से और भारत की इज्जत से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और किसी भी तरीके से खबरों में बने रहना है, लाइमलाइट में बने रहना है जिससे कि इनको और आने वाले चुनावों में इनको और ज़्यादा वोट मिल जाए या फिर एक पद मिल जाए, तो इसी की ये तमाम कोशिशें अभी राकेश टिकैत कर रहे हैं। देखिए, एक और राजनीति मुद्दा जो राकेश टिकैत द्वारा उठाया गया है, इन्होंने राष्ट्रपति को ट्वीट कर दिया तो इसकी वजह से भी ये लाइमलाइट में आ गए कि राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति को ट्वीट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो इससे वो किसकी छवि गिराने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम भारतीयों की, जो कि प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, भारत सरकार की इज्जत करते हैं, तो उन्होंने सबकी यहाँ पर इज्जत गिराने का काम किया है। जहाँ एक तरफ राकेश टिकैत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे बारे में चर्चा करें, भारत के किसानों के बारे में चर्चा करें, जो कि 11 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पर और विरोध कर रहे हैं 3 काले कानूनों का। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन से पहले ही, जब से ये आंदोलन चल रहा है और जब से ये बिल आया है भारत में, जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, वहीं अमेरिका की तरफ से पहले ही ये एक स्टेटमेंट आ चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार जो है इन 3 बिलों का समर्थन करती है। देखिए, जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से दरखास्त किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन पर चर्चा करे, जो 3 किसान बिल लाए गए हैं उन्हें रद्द करने पर चर्चा करे और हमारे बारे में सोचे और मोदी जी को बताएं कि ये जो बिल हैं वो अच्छे नहीं हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस बिल के आने के बाद ही अमेरिकी सरकार ने इस बिल का समर्थन किया था। ये जो 3 कृषि बिल आए हैं भारत में, जो भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं किसानों के लिए, उन बिलों का समर्थन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर चुके हैं। आपको बता दूं कि अमेरिकी मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि इन कृषि कानूनों से किसानों के हालात में सुधार होगा और इससे अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। बयान में कहा गया कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए किसी भी फैसले का अमेरिका स्वागत करता है, प्राइवेट सेक्टर को इस ओर लाने का भी स्वागत है। आपको बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन की ओर से पहली बार भारत में जारी आंदोलन को लेकर सीधी प्रतिक्रिया दी गई है। या जो बाइडेन ने और उनके जो मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, यानी कि अमेरिकी सरकार द्वारा, ये पहले ही बोल दिया गया है कि मोदी सरकार द्वारा ये जो 3 कृषि कानून लेकर आए गए हैं, हम उसका पूरा पूरा स्वागत करते हैं। इससे व्यापार में और जो किसानों के लिए वृद्धि होगी और जो किसानों की आमदनी है उसमें वृद्धि होगी, और जिस तरीके से इस बिल में देखा गया है तो किसानों को और भी ज़्यादा मौके मिलेंगे। इस तरीके से ही देखिए, अमेरिका की जो सरकार है और मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया था। उन्होंने इन 3 कृषि बिलों का स्वागत किया था और कहा था कि व्यापार के तौर पर और किसानों के लिए ये बिल बहुत ही लाभदायक रहेगा और भारत सरकार का फैसला है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसका वो स्वागत करते हैं। इससे आमदनी में वृद्धि होगी जो किसान हैं हमारे देश के, और उनके लिए अगर ये स्टेप उठाए गए हैं, उनके लाभ के लिए अगर ये स्टेप उठाए गए हैं, तो हम इसका पूरा पूरा समर्थन करते हैं और मोदी सरकार के इस फैसले का पुरजोर स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, पहले ही अमेरिका द्वारा इन बिलों का स्वागत किया जा चुका है, समर्थन किया जा चुका है। लेकिन राकेश टिकैत शायद ये बात नहीं जानते होंगे, या फिर जानते भी होंगे तो भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्वीट करके टैग कर दिया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे बारे में भी चर्चा कीजिए, क्योंकि देश की सरकार तो उन पर ध्यान ही दे रही है और वो 11 महीने से सिर्फ बैठे ही हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से राकेश टिकैत ने जो षड्यंत्र रचा है टूलकिट गैंग के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत का अपमान किया है, उससे साफ साफ देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत को कुछ नहीं पड़ी है किसानों की। वो सिर्फ अपना एक राजनीतिक एजेंडा लेकर आए हैं और उसी के साथ वो चल रहे हैं, और उसी को कायम रखने के लिए वो अलग अलग राजनीतिक स्टेप चल रहे हैं, या तो वो खुद चल रहे हैं या फिर उनसे ये सब चीज़ें करवाई जा रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है इसमें कि राजनीति पूरी तरीके से खेली जा रही है इस आंदोलन के द्वारा, और जो किसान है उनको बरगलाने का काम पुरजोर तरीके से राकेश टिकैत और उनकी गैंग कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है अमेरिका दौरे पर। देखिए, क्वैड की जो मीटिंग है वो भी खत्म हो गई है। इस क्वैड मीटिंग में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, तालिबान का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, या फिर जो चाइनीज ऐप हैं उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से अपनी जो बातें हैं वो रखी है राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगे, और तमाम मुद्दे पर डिस्कस किए गए हैं। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप्स का मुद्दा उठाया था। उन्होंने क्लीन ऐप मूवमेंट को धार देने पर जोर दिया है। उनकी इस पहल पर क्वाड के दूसरे देशों ने स्वागत किया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने कई चीनी ऐप्स पर बैन लगा रखा है, किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर तो किसी को निजता का हनन करने की वजह से बैन किया गया है। वहीं आपको अहम बात बता दूं कि जो बाइडेन और पीएम मोदी की बैठक के दौरान अफगानिस्तान मुद्दे पर विस्तार से बात की गई है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
मुद्दा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हुआ है वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां देखी जा रही है इससे खतरा पड़ सकता है अन्य देशों पर भी। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ है। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि तालिबान को अपने वादे पूरे करने होंगे। इस बात पर भी जोर दिया गया, अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस बात पर भी जोर दिया गया। वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इतनी सक्रियता रही, ऐसे में मोदी बाइडेन ने उस पर भी मंथन किया। देखिए, पाकिस्तान का जो सक्रियता है अफगानिस्तान पर और तालिबानी सरकार पर ज्यादा देखी जा रही है। शुरू से ही पाकिस्तान जो है तालिबानियों का समर्थन करता आ रहा है, आतंकवादियों को तो शरण वो शुरू से ही देता है। तो अभी जो तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में बनी है तो पाकिस्तान उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। तो इस पर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को शरण देता है और तालिबानी समर्थन अभी कर रहा है, तो उसका इलाज क्या किया जाए। तो बैठक में ये सारे मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, इन सब मुद्दों पर जोर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर ये सारे मुद्दे डिस्कस किए हैं जो बिडेन से। और अब देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री बाहर देश में जाकर ये सारे मुद्दे उठाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं देश के जो आतंकवाद के खिलाफ हो गए, और ये जो टूलकिट गैंग है और ये जो विपक्ष नेता, मैं कहूंगी सबको, विपक्ष के जो नेता है वो सिर्फ अभी तक उसमें ही अटके हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं तो राष्ट्रपति जो बिडेन को ट्वीट करके लिख दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसानों को बैठे हुए 11 महीने हो गए हैं, तो जरा हमारे बारे में भी बातचीत कर लीजिएगा। अरे, आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि भारत एक उस तरफ चल रहा है जहां पर भारत उच्च स्तर पर चीजें कर रहा है, नंबर वन पर भारत रहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर वन नेता माने जाते हैं वर्ल्ड में। तो आप इस तरीके की हरकतें कर भारत को क्यों नीचा गिराने का काम कर रहे हैं? आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।